في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام काते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से जिसे हमने लोगों के लिए यकसा इबादत कर
اس پروگرام میں مہادر کی حیثیت سے ہمارے ایک مہمان خصوصی جن کی آمد کرونا سے متوقع ہے لیکن جو کہ شدید بارش اور موسلادھار بارش کی بنیاد پر وہ تقریباً 12 بجے یہاں پہنچیں گے، حضرت الشیخ ارشاد زبیر محمدی رحمتہ اللہ داعی مبلغ بمبئی۔ پروگرام کے اعتبار سے یہ تھا کہ طریقۂ حج اور اس کا عملی مشق، اس موضوع پر سب سے پہلے تلاوت اقلام آباد کے بعد شیخ انصار زبیر محمدی رحمۃ اللہ خطاب فرمائیں گے اور حجاج کرام کو عملاً وہ تمام چیزیں جو حج کرتے ہوئے حاضر ادا کرتا ہے عملی مشق کے طور پر وہ تمام چیزیں حجاج کرام کے لیے بیان فرمائیں گے۔ لیکن شدید بارش کی وجہ سے وہ تقریباً 12 بجے پہنچیں گے، اس لیے خاص صاحب کو جو موضوع دیا گیا تھا اور جسے آپ نے اشتہار میں دیکھا بھی ہوگا کہ حاجیوں سے سرزد ہونے والی غلطیاں اور ان کی نشاندہی، تو اس موضوع پر خاص صاحب آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول
जिसके बारे में अल्लाह तआला ने कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 94 के अंदर इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अला नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनीयुन लिल आलमीन। लोगों पर हज बैतुल्लाह फर्ज है, जो उसकी तरफ रास्ता पाते हैं, जो हज बैतुल्लाह की इस्तता
इसकी फजीलत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही है कि हदीस जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुथ वलम यफसुख रजअ कयौम वलदतु उम्मुह, कि जिसने अल्लाह की खुशनूदी के लिए हज किया, मन हज्ज लिल्लाह, जिसने हज किया किसी किस्म की बेहूदा नाजायज चीजों का इंतकाम नहीं किया, जिसको फजूर नहीं किया, रजा कयौम वलदतुहुम, तो वो ऐसे ही लौटता है जैसे उसकी माँ ने उसे अभी जना है, यानी वो गुनाहों से पाक व साफ होकर के लौटता है। तो ये हज तमीदी तौर पर ये हज की फजीलत और हज की अहमियत सामने सरसरी दौर से रोशनी इस पर डाली गई। अब इसके बाद में अपने असल मौजू पर आते हैं कि हाजियों से अजनाए हज चंद गलतियां होती हैं जिसकी निशानदेही वक्त की मुनासबत से मैंने मास समझा। सबसे पहली गलती और कोताही हाजी से ही होती है कि एक हाजी हज सफर के लिए रवाना होता है सच्ची तौबा करने में सुस्ती और ताकी। एक इंसान जा रहा है फरीदे हज के अदायगी के लिए, उसे चाहिए कि यकीन पर सच्ची तौबा कर ले कि अल्लाह ताला जो भी हमारे अंदर सरकशी नाफरमानी किताब व सुन्नत से दूरी जो चीज है कि अल्लाह ताला अब हम अरकान इस्लाम के एक अहम रुकन फरीदे हज के अदायगी के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला को तमाम गुनाहों से हम तौबा इस्तगफार कर रहे हैं, मगफरत चाह रहे हैं और तौबा कर रहे हैं। दूसरी गलती जो होती है कि हमारे बहुत से हुज्जाज हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए रवाना होते हैं, जाहिर सी बात है कि हज ये हक़ में हुक़ूक़ बिल्लाह या अल्लाह ताला के हुक़ूक़ में से के लिए एक हाजी हज बैतुल्लाह की अदायगी करे। हज के लिए रवाना होता है, कबूलुल्लाह की अदायगी के लिए रवाना हो रहा है, रास्ते सफर बांध रहा है, लेकिन बंदों के हुकूक को पेंडिंग करते जा होना ये चाहिए कि जब आप जा रहे हैं तो आपके ऊपर जो लोगों के हुकूक हैं, जो लेन देन है, जो भी चीजें हों उसको क्लियर जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। मुमकिन है कि सफर हज से वापसी अपने वतन आपको तौफीक ना हो सके, कोई और आदा लाइक हो जाए, तो जो लोगों के हुकूक आपके ऊपर है वो वैसे ही पड़े रह जाए और आप इस दुनिया से रुख सकोगे, तो हुकूकुल्लाह की अदायगी तो की लेकिन बंदों के हुकूक का दिवालिया आप कर देंगे। तो ये जरूरी है कि एक इंसान एक हाजी जब हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए जा रहा हो तो लोगों के हुकूक को क्लियर करके जाए, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम की किताब अल-बर व सलाह के अंदर जिक्र किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस इंसान कौन है, मुहताज और तंगदस्त इंसान कौन है। सहाबे कराम फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान जिसके
किसी पर उसने तोहमत लगाई है, किसी को मारा है, किसी के माल को हड़प कर लिया है, किसी को कत्ल किया है, ये तमाम खामियां उसके अंदर होंगी। होगा कि ये तमाम लोग आएंगे उसके सामने अपने मामला को लेकर के, इसकी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी, नेकियां इसकी उन मजलूमों को दे दी जाएंगी और अखीर में इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। अब मामला क्या होगा कि उन मजलूमों के गुनाहों को इसके ऊपर डाला जाएगा और अखीर में अल्लाह का हुक्म होगा कि इसे फिर भी जहन्नम में डाल दे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जहन्नम और जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब से बचाए। मालूम यह हुआ कि एक हाजी जब हज्जे बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहा हो तो लोगों की जो हुकूक उसके ऊपर है उन हुकूक को क्लियर करके, लेन देन जो भी हूँ उसको क्लियर करके, कारोबार है उसका, कोई वारिश है, बेटा है, भाई है, कोई ऐसा इंसान है उसके जिम्मे ये लोग हैं, ये तहरीरी शक्ल में वो चीज़ें लिख दें कि यहाँ लिया था, यहाँ देना है, यहाँ लेना है, तमाम चीज़ें मेरी अदम मौजूदगी में मेरे ना रहने पर तुम ये चीज़ें ऐसा कर लेना, और जिनके साथ लेन देन का मामला चल रहा है उनको भी बिठा करके कि मेरे सके, या आपके ऊपर जो लोगों के हुकूक हैं वो लोगों के हुकूक
مطلب وہ خود بات شیطان اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کا نام دیا کہ ایک انسان ہے جو لمبی سفر طے کرتا ہے, لمبی سفر طے کرتا ہے اور سفر کرنے کی وجہ سے اس کے سر کے بال بکھرے بھی ہوتے ہیں, جسم میں گردوں کو بار ہوتے ہیں, صحبت نہیں اختیار کرتے. جب ہوگا تب نہیں نکلے, تب آپ کر لے
तो ये चीज भी बाल नाटियों से होती है जो नहीं होनी चाहिए कि सफरे हज में दीनदार दीनदार लोगों की कमरी और उनकी सोहबत अख्तियार की जाए ताकि वही इंसान आपको खैर की दावत दे सके, खैर के काम में आपका दावत कर सके। किसी मोड़ पर अगर आप लेफ्ट राइट हो रहे हो, जुबान से जीवन चोर हो रही और दूसरी चीजें कर रहे हो तो वो आपको मना कर सके, इसलिए कि अगर दीनी मिजाज होगा तो वो भला काम करेगा, अच्छा काम खुद करेगा और आपको अच्छे काम की दावत देगा, बुरे कामों से खुद रुकेगा और आपको बुरे कामों से रुकने की दावत भी देगा। इसी तरीके से कुछ ग्राम से जो गलती होती थी मुझे कि बात विचार ये मीमात से बगैर ग्राम के चले जाते हैं, जाहिर सी बात है मीमात से बगैर ग्राम बांधे ही अगर एक पानी चला गया तो मीमात से ग्राम बांधना ये वाजिबात हज में से है। अब अगर वो बगैर ग्राम भी गुजर गया तो या तो वो दोबारा मीमात पे वापस लौटे वहां से ग्राम बांधे, और अगर दोबारा वापस नहीं लौटता है तो उसके ऊपर दम है, एक जानवर वो जबा करे, एक बकरी जबा करे मक्का के अंदर और मक्का के गरीबों मिसकीनों में उसका गोश्त तकसीम किया जाए, तो ये गलती भी बात हाजियों से हो जाया करती है। इसी तरीके से जब इंसान एहराम पहनता है तो एहराम पहनते हुए बाद हाजियों के जहन में ये अकीदा और ये तसव्वुर होता है कि एहराम पहनने की वजह से एहराम की दो रकात सुन्नत या नफल पढ़ने के वाजिब हो गई, जबकि आप जब कुतुबे हदीस को पढ़ेंगे तो कहीं पर भी एहराम पहनने की वजह से कोई खास नमाज नहीं। एहराम आपने पहन लिया, अब एहराम पहनने की बुनियाद पर दो रकात नमाज एहराम की नियत से पढ़े ऐसा कुछ साबित नहीं है। हाँ यह है कि आपने एहराम पहनी और एहराम पहना आपने इधर नमाज का वक्त उठा बनाता है, या एहराम आपने पहना और एहराम के पहनने के साथ आपने वजू बना ली थी तो आप तहियतुल वुजू तो आप तहियतुल वुजू दो रकात पढ़ेंगे, लेकिन एहराम की कोई खास नमाज कुतुबे हदीस में मौजूद नहीं है। इसलिए ये तसव्वुर कि एहराम की खास दो रकात नमाज होती है ये खिलाफे सुन्नत है। इसी तरीके से बाद हाजी जब एहराम पहनते हैं, एहराम के पहनने से पहले इंसान जब गुस्ल किया है मर्दों के लिए तो मर्द हजरात गुस्ल करने के बाद अपने जिस्म पर खुशबू लगा सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल किया है। लेकिन जब आप एहराम पहन लिए तो एहराम के पहनने के बाद अब एहराम के कपड़ों पर खुशबू नहीं लगा सकते। बाद हाजियों से गलती होती है कि वो जिस तरीके से ईद के लिए या जुमा की नमाज के लिए गुस्ल करके नहा धोकर के इंसान जाता है और जब कपड़ा पहनता है तो कपड़े पे खुशबू वगैरह लगा लेता है तो वो ये समझता है कि वो हज के लिए जा रहे हैं और एहराम पहने लिए हैं तो एहराम पर खुशबू लगा लिया जाए, तो ये चीज ममनूआत एहराम में से है कि एहराम के कपड़ों पर खुशबू नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इससे मना किया गया। इसी तरीके से एहराम की हालत में औरतों से एक अहम गलती होती है कि ख्वातीन एहराम जब पहन लेती हैं और ख्वातीन के लिए एहराम के लिए कोई खास लिबास नहीं है या किसी खास कलर का लिबास उनके लिए नहीं है, आमतौर से जो सलवार कमीज या जो भी चीजें अपने आप पहन रहे हैं चमक दमक हो, लोगों की नजरें उसकी तरफ उठ रहे हो, या वो कपड़ा इतना चुस्त और टाइट ना हो कि उस औरत के जिस्म के नसीबों पर आप जाहिर हो रहे हो,
को हम अपने चेहरे पर डाल लेते थे और जब वो अलग हो जाते थे, निकल जाते थे, तो हम लोग अपने चेहरों को खोल लेते थे। तो मालूम ये हुआ, और आज के लोग ने देखा जाए तो ये है कि हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो खातून को चाहिए कि हर के लिए जा रही है एहराम की हालत में अपने चेहरे को अजनबी मर्दों से छुपाए उसको ढके। Thank you.
किसी से इतनी तेजी साथ नहीं है। हाँ, किसी खास दुआ के पढ़ने का इंतजाम जो है तब आप करेंगे वो रुकने अमानी और हजरे असवद की भी। हजरे असवद से पहले जो वहाँ पढ़ता है उसको रुकने अमानी कहा जाता, तो रुकने अमानी और हजरे असवद के बीच में रब्बाना जना दुनिया हसना वो फिल आखिरत हसना वो कहना अदा बनना, ये खास दुआ है। अब इसके अलावा जो चक्कर लगा रहा है उसमें अपनी जुबान में दुआएं करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादीशुदा दुआएं अरबी में आकर वो दुआ करें, कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र व अज़कार करें, तस्बीह व तहलील करें, कोई खास दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो इसका एहतमाम भाइयों को करना चाहिए। इसी तरीके से एक गलती जो बात भाइयों से होती है कि जब इंसान हरम के अंदर दाखिल होता है तो एक सही हदीस जिसका सहारा लेते हैं कि खाने काबा पर जब पहली निगाह पड़े उस वक्त जो भी दुआएं की जाती हैं अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमाता, उन दुआओं को रद्द नहीं करता। पिछले साल एक काजी हमारे आगे गुरुजा आता, वो सिर्फ खाने काबा में जमाए गए और सीढ़ी पौड़ी देखा गया उसकी हड्डी पे चलो, इसलिए कि किताबों में मौजूद है उनको ये बताया गया है कि खाने काबा पे पहली नजर पड़े जो दुआएं की जाए वो कबूल होती रद्द नहीं होती, और वो सही तरीके से सही तौर से इतला महसूस साथ नहीं है। अब वो बेचारा उसी उसमें सिर्फ खाने काबा को देख रहा है और उसके ग्रुप के लोग जा रहे हैं तो साथ में किसी किसी चलना भी है, गिरा उसकी हड्डी जो है फिर चल। तो आदमियों को इससे भी होशियार होना चाहिए कि अमल करें अच्छी बात है, लेकिन सही और गरीब का एतबार करते हुए कि आया ये अमल अल्लाह के रसूल की सही हदीस से साबित नहीं है, साबित करें सही और मौजूद हदीस है उस पर अमल न करें। इसी तरीके से जब एक इंसान तवाफ करता है तो तवाफ करते हुए बाद भाइयों को देखा जाता है कि हजरे असवद का बोसा लेने के लिए वो थकी थका चूमने का इस्तेमाल किया जाता है, हत्ता कि देखने में ये चीज आते हैं कि कितने लोग बेहोश हो जाते हैं, कितने लोगों को तकलीफें हो जाती हैं, या इंसान हट्ठा कट्ठा तंदुरुस्त है तो मार धक्का दे करके वहां पहुंच गया, किसी को मारा, किसी की साइड में चोट लग गया, कुछ हो गया, और ये है कि उसके चूमने तो वो हंसता एक रुकन या हंसता एक वाले जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों चीजें दी कि आपने चूमा भी है, आपने अपनी छड़ी को लगा दिया और छड़ी को चूम लिया, आपका मतलब ये है कि आपने दूर से इशारा हाथ से इशारा किया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के पीछे, ये क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों चीजें की हैं? सारे अकीम थे कि भीड़ हो, भीड़ हो सकती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम ने उसको 84 पहले रखी थी, तो एक अंदाजा तो था कि फिर होगा। तो आपने ये अमल किया ताकि हमारे लिए रुसत हो कि अगर बासानी हम चूम सकते हैं तो चूम लें, बासानी नहीं चूम सकते हमारे हाथ में कोई छड़ी कोई सी चीज लगा दे और उसको चूम लें, और अगर ये नहीं तो दूर से इशारा करके चलते रहें। तो जब ये रुसत मौजूद है और ये चीज यानी बूढ़ी सही औरतें लेकिन चूमने के लाइन में लगी हैं, थका खा जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, अपनी आंखों से मैंने तकरीबन 2 साल पहले एक खातून हज के लिए रवाना हुई और वहाँ मुलाकात भी अपने मुस्तरीबों में से थे, अभी उसके हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है और जब वो व्हीलचेयर पे जा रही होती है मुझे साथ हज का एड्रेस को तरह पहुँचा दिया, मैंने कहा देखो साइड में करके दिखाया, एक उठा इंसान हमारे ख्याल से उसकी लाश वहां से निकाली जा रही है, हजरत सूद का गुस्सा लेने के लिए मैंने कहा इंजन दिया, जिस हजरत असवद को चूमने की आपको फिक्र लगी हुई है कि आपके आने से पहले अभी महीने 2 महीने पहले जैसा कि आप बता रहे हैं बाईपास आपकी सर्जरी हुई है और यह है कि हजरत असवद को चूमने की फिक्र लगी हुई है, शायद वो उठे की लाश को निकाला जा रहा है, शायद वो मरे हुए हाथ को उसको निकाला जा रहा है, अगर ना भी मरा होगा तो बहुत होगा। तो अभी चीजें क्या होती थी
ये जहालत की बुनियाद पर होती है। इसलिए अगर इस किस्म की भीड़ भाड़ हो तो दूसरों को धक्का दे करके, दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके या अपने आप को मुसीबत में डाल करके हजरत अस्वद को न चुमा जाए, ये एक आदमियों से हम बनती होती है। क्योंकि हजरत अस्वद का चूमना ना तो रुकन है ना वाजिब है। आप बगैर हजरत अस्वद के चूमे के चले आए, इंशाल्लाह आपका हज मकबूल है, आपका हज दुरुस्त। इसी तरीके से आदमियों से जो एक गलती होती है वो ये है कि इंसान जब तवाफ कर चुका होता है, तवाफ करने के बाद जब सही के लिए जाता है सफा मरवा की सही के लिए, तो सफा मरवा की सही करते ही वहां पर इंसान अलग अलग दुआ होता है, जबकि सफा में एक खास दुआ पढ़नी है और उसी दुआ को मरवा में तीन बार पढ़नी है। लेकिन सफा से मरवा जाते हुए और मरवा से सफा आते हुए इस बीच में कोई खास दुआ अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। कोई भी दुआ किसी को सलात तिलावत आप कर सकते हैं, किसी कोई खास दुआ अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। बाद भाइयों से गलती होती किस तरीके से तवा का साफ करता है कि हजरत अस्वद से तवा शुरू किया है और हजरत अस्वद पहुंचा तो एक चक्कर हो गया। इसी तरीके से जब वो वहां सफा में पहुंचता है तो समझता है कि सफा से हमने सही शुरू की है और जब फिर सफा में पहुंचेंगे तो हमारा एक चक्कर हो, जबकि वहां मामला इसके उल्टा है। सफा से आपने सही शुरू की, मरवा पहाड़ी में पहुंचे आपका एक चक्कर हो गया, मरवा से सफा है आपका दो चक्कर हो गया। होता यह है कि तवाफ की वजह से वो सही नहीं करता है तो उसका सात नहीं 14 चक्कर हो जाता है। तो इससे भी इंसान को बचना चाहिए, सफर हज पर रवाना होने से पहले हज के अहकाम और मसाइल को सही तौर से समझना चाहिए। सफा मरवा की सही के बाद मर्दों के लिए यह है कि इंसान अपने सर के बाल को छिला दे या सर के बाल कटवा दे। सर के बाल का छिलाना अफजल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बार सर के बाल के छिलाने वालों पर अल्लाह की रहमत हो। चौथी बार मेरे सहाबी ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जो सर के बाल कटवाते हैं तो आपने फरमाया सर के बाल कटवाने वालों पर भी अल्लाह की रहमत हो। तो होना यह चाहिए कि आप हज के लिए जा रहे हैं, सफा मरवा की सही तो आप कर चुके, आपका उम्रे का पूरा काम मुकम्मल हो गया, अब आपने बालों को छिला दिया और बाल नहीं छिलाया तो बाल को कटवाना चाहिए और कटवाते हुए कैंची या मशीन सर के पूरे बालों पर चलनी चाहिए। हमारे बाल भाई होते हैं कि वो हीरो वहां भी बनना चाहते हैं कि हज तो करने गया है लेकिन बाल कटवा देंगे टकले हो जाएंगे, जिंदगी में कभी टकला नहीं होगा और बिना टकले हो जाए तो बाल भी सही तौर से नहीं कट पाता है कि बाल पेशियां पूरे सर पे लग जाए, दो चार बाल इधर उधर से कटा लिया आपकी कसर हो। तो ये चीज भी गलत है, एक हाथी को उससे बचना चाहिए, वो कसर नहीं हुआ। और बाल हाथी गलती क्या करते हैं, सर के बाल को छिलाया, सर के बाल छिलाने के साथ साथ दाढ़ी नोसर ठीक। तो आप अल्लाह के बंदे हज के लिए गए हैं नेकियों को कमाने के लिए, ना कि हराम काम करने के लिए। दाढ़ी का छिलाना आम हालत में भी हराम है और आप हराम की हालत में और मक्के मुकर्रमा के अंदर हैं, हरम के पास में हैं और वहाँ भी हराम कारी करें तो एक आदमी के लिए दुरुस्त नहीं, जो नहीं करना चाहिए। अब एक हाजी उमरा करके जब बड़ा हो जाता है फिर 8 तारीख में जो तरबिया का वक्त होता है जो जगह कहीं होटल में होता है वहीं से वो एहराम बांधता है और मीना के लिए रवाना होता है। जाहिर सी बात है कि मीना में मीना मुज़दलिफा अरफा ये तीनों जगहों पर हाजी जो रहेगा तो जो भी नमाज का वक्त होगा तमाम नमाजों को कसर पड़ेगा, तमाम नमाजों को कसर पड़ेगा। कसर ये है कि 4 वक्त की नमाज जो है वो दौर पर मीना में जितने दिन रहेगा तमाम नमाजों को उनके वक्त पे पढ़ेगा और कसर पढ़ेगा। अरफात में जोहर के साथ में असर की जमा कर दी, दो नमाजों को एक साथ पढ़ेगा कसर पढ़ेगा।
मुज़दलिफा और अरफात में दो नमाजों को एक साथ पढ़ा जाएगा और पसंद किया जाएगा और मिना में जो नमाज है उनको उनके वक्त पे पढ़ेगा, लेकिन रुबाई नमाजों को चार वक्त की नमाजों को दो रखा। हाजियों से इस सिलसिले में उर्दू में बहुत होती है कि नहीं भाई हम तो मुकीम हैं, हम तो मुसाफिर हैं, हम मुकीम होंगे तो मुकीम को पूरी नमाज पढ़नी है और इस बुनियाद पर एक ही खेमे के अंदर दो दो वक्त नमाजें कायम हो रही हैं। एक लोग पढ़ रहे हैं कि कसर पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग दूसरी जमाते हैं कि पूरी नमाज पढ़ रहे हैं। अब उनके सामने हदीसें पेश की जा रही हैं कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पेश किया आपके साथ सहाबे इकराम से ज़ाहिर सहाबे इकराम ने पेश किया, ज़ाहिर सी बात है उसमें वो लोग भी थे जो मुकीम थे मक्का के रहने वाले थे और वो लोग भी थे जो मक्का से बाहर से आए थे जो मुसाफिर थे, लेकिन कहीं ये नहीं मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हुक्म दिया हो कि भाई देखो जो मुसाफिर हो वो हमारे साथ पसंद कर ले चार रकात की नमाज दो रकात पढ़ ले और जो मुकीम हो वो पसंद ना करे वो चार रकात पढ़े, लेकिन कहते हमारे मसलक में नहीं। मसलक मसलक रसूल होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कर रहे होते थे और कहते थे खुदू अन्नी मनासिक, तुम लोग हमसे तरीके हज सीख लो। तो होना ये चाहिए कि इन जगहों पर इन नमाजों को कसर किया जाए और मुज़दलिफा और अरफात में दो नमाजों को एक साथ कसर किया जाए, जमा किया जाए और कसर किया जाए। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसमें हाजी वो लड़ते झगड़ते हैं, आपको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। कोई इंसान है उसको आप पर वो जमा कर आपको पूरी नमाज पढ़ रहा है उसको आप बता दें कि सुन्नत रसूल ये है कि कसर करें, मान लिया ठीक है नहीं माना उलझने की जरूरत नहीं है। आप अपने तौर से सुन्नत रसूल के मुताबिक नमाजों की अदायगी करें और यह कि लोगों से जंगजदाल और लड़ाई और झगड़ा न करें। इसी तरीके से कार्यों से जो गलती होती है खासतौर से मीना में इंसान रहता है खेमों में, तो देखा ही जाता है कि इंसान बाद लोगों को देखा जाता है, जैसे मैंने बयान किया इंसान बैठ करके गप शप हंसी मजाक हत्या की गीबत फुरफुरी और दूसरी चीज़ें भी होती रहती हैं, सिगरेट नोशी चल रही है, तम्बाकू चल रहा है, ये तमाम चीज़ें तो बहर था ये एक खाली महसूस नहीं है। बड़े कीमती औकात है, बड़े कीमती जगह है, उन जगहों पर इंसान को चाहिए उन जगहों की मदद करे, उन औकात की मदद करे और अपने आप को इन हराम चीज़ों से बचाए। जब एक खाली मैदान अरफात पहुँचता है तो अरफात में कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि हर कंट्री के लोगों का खेमा अलग अलग मुबैन है कि यहाँ पर इंडिया के लोग यहाँ बांग्लादेश यहाँ पाकिस्तान यहाँ मिस्र यहाँ सीरिया वो एक एरिया अलग होता है और वहाँ पर मौलिम के जरिए से वहाँ पहुँचाया जाता है। तो वहाँ पर जब इंसान पहुँचता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि अपना खेमा छोड़ करके और इमाम हज जो मस्जिद नबवी में खुतबा देते हैं और ज़ुहर असर को एक साथ पढ़ाते हैं अपने खेमों को छोड़ करके और वो लंबी मुसाफत तय करके भीड़ भाड़ में जाता है कि इमाम के पीछे हम नमाज अदा करेंगे तभी हमारी हज होगी, वरना खेमे में ये नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। या समझता है अगर खेमे में हमने पढ़ा तो हमारे अजर व सवाब में कुछ कमी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये तसव्वुर भी गलत है। यानी जहाँ खेमे लगेगी वहाँ से आने में उसको एक डेढ़ घंटे का वक्त लग जाएगा और वो भी मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिल सकती है, बाहर इतनी धूप होती है कड़ाके की धूप होती है सख्त गर्मी होती है इंसान बेहोश हो सकता है कोई और परेशानी लायक हो सकती है। तो हाजी को जो खेमा दिया गया है जब नमाज का वक्त हो तो वहाँ पर जुहर के साथ में असर की नमाज भी पढ़ ले, कसर पढ़े और जमा करके पढ़े और फिर अल्लाह ताला से जो अस्मात दुआओं में इंसान लग जाए चे जाए कि वो वहाँ से लंबी कुछ
कि अरफात के मैदान में ठहरना हज का ऐसा रुख है कि अगर वो रुख छोड़ जाए तो इंसान का हज बाकी हो जाएगा, आइंदा साल उसको नहीं सिरे हज करना। उन कीमती औकात कीमती जगह पर इंसान मौजूद है, लेकिन आप लोग गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि रोडों पर बाहर ये खुद वहाँ की हुकूमत की तरफ से और वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन
مزدلفہ کی حد سے باہر, اب ظاہر سی بات ہے مزدلفہ کی حد سے باہر وہ رات گزاری گئی. مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجبات حج میں سے ہے. اب اگر مزدلفہ کی حد سے باہر گزار دیا اس کے اوپر دم ہو گیا, اس کو دم دینا ہو. ایک بکری مکہ میں ذبح کرنی پڑے گی اور مکہ کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنا پڑے گا, تو اس کی رعایت ہو. آپ چاہے مزدلفہ میں ہوں, منا میں ہوں, عرفات میں ہوں, عرفات میں جو بورڈ ہیں وہ ایلو کرتے ہیں, اس سے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے عرفات شروع ہو رہا ہے اور یہاں عرفات ختم ہو رہا ہے. مزدلفہ میں جو بورڈ ہے وہ بیرنگ کرتا ہے, وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے مزدلفہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں مزدلفہ ختم ہو رہا ہے. منا میں جو بورڈ ہے وہ آسمانی کلر کا ہے اور اسے لائٹ گرین کا اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے منا شروع ہو رہا ہے اور یہاں منا ختم ہو رہا ہے. انسان ان جگہوں پر نہیں لے رہے تو اس بورڈ کو دیکھ لے کہ ہم اس کے حد کے اندر ہیں یا ہم کے باہر ہیں. جو بعض حاجیوں سے اس کی رعایت نہیں ہوتی ہے تو اس کی رعایت ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ ایک غلطی حاجیوں سے بھی نہ مزدلفہ سے انسان روانہ ہوتا ہے. مزدلفہ سے روانہ ہوتا ہے انسان فجر کی نماز پڑھ کر کے, اور فجر کی نماز پڑھ کر کے جب انسان روانہ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اس کو تو یہ شمس کے بعد بڑے جبرے اقبا کی کنڈری مارنی ہے 10 تاریخ کو یوم نہر کو, اور اس کو 7 کنڈریاں ماری جائیں گی, 7 کنڈریاں 7 بار ماری جائیں گی. تو جب انسان کنڈری مارنے کے لیے جاتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں, کچھ لوگ جوتے بھی چلاتے ہیں, چپل بھی چلاتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں نایا ہی ہیں اللہ کے رسول کی سنت کی خلاف. جو کنڈری آپ چنیں وہ چنے کے دانے کے برابر ہو, ایسا نہ ہو اتنا بڑا سے لے لیں کہ اگر کہیں وہاں نہ جائے باہر نکل جائے تو کسی کا سر پڑ جائے. تو چنے کے دانے کے برابر وہ کنڈری ہو, اور کنڈریاں 7 کنڈریاں 7 بار ہماری بات آئی. 7 کنڈریوں کو ایک ساتھ تو ہو گیا, ارے پتا نہیں کیسے آپ جاتے ہو وہاں آنے کے لیے. 2 منٹ لگاتے ہو مطلب گیا, یوں کہتا یوں مارا چلتا ہو, یوں مارا یوں چلتا بنا مدعی کے پاس, یوں مارا یوں چلتا بنا نہیں ہوتا ہے. شریعت کا ایک اصول 7 کو 7 بار ہونا ہوتا ہے. تو یہ غلطی ہمارا بھائیوں سے ہوتی ہے اور وہاں گالی دینے کی یا جوتا چپل کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شیطان وہاں موجود نہیں ہے. اس وقت اس نے ابراہیم و اسماعیل کو پرکھایا تھا, اس لیے وہ سنت قیامت تک جاری ہے. اسی سنت کی یاد پتا بھی رہتے اور نہ آج شیطان وہاں موجود نہیں ہے. تو اس حرکت سے بچا ہے. اب یہ ہے کہ جب بڑے شیطان کو حاجی نے کنڈری مار لی, جب یہ جبرات کرتے تلبیہ پڑھ دینا چاہیے, لبیک اللہم لبیک جو حاجی پڑھتا ہے. یہ تلبیہ جب بڑے شیطان کو کنڈری مار لی تو تلبیہ پڑھ کر دینا چاہیے. بعض حاجی اس کے بعد تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں جو خلاف سنت. اسی دن ریا کا واپس زیارہ کیے تو آپ کی صحیح کی آپ 3-4 دن سے بہت
तो ये चीज नहीं होनी चाहिए जो बात भारतीयों से होती है। इसके साथ एक गलती जो बात भारतीयों से बल्कि अक्सर बेहतर आदमियों में होती है वो क्या है, कश्मीर को सीखो तो आप करते हुए दृश्यों का मौसा देते हुए तकलीफ मारते हुए अर्थात में दुआ करते हुए और दूसरे जगहों पर ये तस्वीरें निकाली जाती हैं और कीमती वक्त अपना इन चीज़ों में जाया किया जाता है। क्यों, इसलिए दिखाने के लिए सोलह दिनकारियाँ को शेख बेबाद रहे मोहल्ला और दीगर अपील ने हराम करा दिया, यानी वो तस्वीर जिसे आप जाती है और जहन्नम के अदाब से निजात दी जाती है और
शरीफ को सामने रखते हुए बाल धोने जाते हैं और 40 वक्त की नमाज पढ़ने को वाजिब समझते हैं, जबकि हदीस ज़ईफ है। इसे अल्लामा अल-अल्बानी रहमतुल्लाह ने ज़ईफ करार दिया है, सही तौर पर यह हदीस साबित नहीं है। इसलिए इस इंतजाम के साथ और यह भी रखते हैं कि 40 वक्त की नमाज पढ़नी ही है, ये गलत है क्योंकि इसे हदीस से साबित नहीं है। दीगर मसाइल के मुकाबले में 1,000 के बराबर है, तो इंसान की कोशिश होनी चाहिए उसकी 5 वक्त की नमाज़ें मस्जिद नबवी में अदा हों ताकि इस सवाब से महरूम ना हो। लेकिन अगर किसी वजह से कभी कोई नमाज छूट गई तो उसके छूटने पर उसके हज पर कोई असर नहीं होता। बाद हाजियों को देखा जाता है कि कभी उस बस का शेड्यूल ऐसा हो गया कि भी 39 वक्त की नमाज हुई थी और मौलवी ने अदा किया कि बस बराबर ही गलत है जो बात भाजियों के नाम होता है, इससे बचना चाहिए। इसी तरीके से बात लोग जो कब्र रसूल की ज़ियारत को वाजिब समझते हैं कि और उस सिलसिले में जितनी भी हदीसें हैं कि अल्लाह रसूल ने फरमाया कि जिसने हज किया उसने मेरी ज़ियारत नहीं की, उसने मेरे ऊपर ज़ुल्म किया, जिसने हज किया उसने मेरी ज़ियारत की, उसके लिए मेरी सिफारिश वाजिब हो गई, ये जो भी हदीसें हैं अल्लाह के रसूल की कब्र की ज़ियारत के ताल्लुक़ से हैं और उसकी फजीलत के ताल्लुक से उन तमाम हदीसों को अल्लामा इब्न जौदी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब मौज़ूआत के अंदर जिक्र किया है, उस पर यह हुक्म है कि हदीसें मुनकरत हैं, तो इससे भी एक इंसान को बचना चाहिए। इसी तरीके से बात हाजियों वहाँ पहुँचते हैं वो ये है कि खाके शिफा और वहाँ वहाँ जा करके वहाँ की मिट्टी को लेना, जल्दुल्बकी की मिट्टी को लेना, खाके शिफा ढूंढना और क्या क्या गलत गलत चीज़ें अखबार लेकर के आना, तो ये तमाम चीज़ें बिदात की कबील से हैं, जिसको एक हाजी से जिसके करने से एक हाजी को बचना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला तमाम हजारे कराम को किताब सुन्नत की रोशनी में खरीदे का अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हर वो काम जो सुन्नत रसूल के खिलाफ हो उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे लिए बड़े ही सादत की बात है कि हमारे दरमियान शेख अंसार ज़ुबैर मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह तशरीफ़ फरमा है। मैं शेख मोहतरम का बहुत ही ममनून और शुक्र हूँ कि शेख ने अपनी तमाम तरीन मसरूफियात के बावजूद भी हमारी दावत पर लबैक कहा और ये देखिए आज सुबह ही से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी शेख ने हस्ब वादा प्रोग्राम में पहुंचने की कोशिश की। अल्लाह ताला शेख मोहतरम को जाए खैर अता फरमाए। शेख मोहतरम की शख्सियत हमारे दरमियान मुताज़े तारुफ नहीं है। शेख बम्बई और खारे बम्बई दीगर दूसरे मनातिक और दूसरे सूबों में भी दावती फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और शेख मोहतरम की तकारीर और मादरात को हम सुनते रहते हैं, मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। इतना कह देना मैं वहाँ समझूँगा कि शेख मोहतरम हमारे सीनियर ऐसे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम का एक अच्छा वक्त यानी तकरीबन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 8 से 10 साल का वक्त सऊदी अरबिया के एक बहुत ही बड़े सेंटर मतलब जालिया जुबैल में शेख मोहतरम वहाँ दावत तबलीग के फ़ायदे अंदाम में चुके हैं और वहीं पर आपकी बहुत सी तारीफ़ात भी मौलफात भी उर्दू ज़ुबान में मौजूद हैं। वक्त कम ही रह चुका है, इसलिए मज़ीद कुछ बातें नाज करते हुए अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ शेख मोहतरम को दावत दूँगा कि शेख मोहतरम तशरीफ़ लाएँ और मौजूद तरीक़े हज अमली मस
اس کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائے اور فضل مشکو. اب احرام اپنے گھر سے اپنے ماں کے ایئرپورٹ سے
आपने फ्लाइट के अंदर बांध रहे हैं, क्योंकि जहाज के अंदर जहाज समय पर रिकॉर्ड पर नहीं रुकेगा, अपने एयरपोर्ट पर रुके। तो ये सहूलत अल्लाह ताला ने हमें दी है। हज की तीन किस्में, हज इफराद, हज इक्तरान, हज तरद्दुद। जब आप हज करना चाहें तो हज की एक किस्म हज इफराद, जिसमें सिर्फ हज का एहराम बांधा जाता है, इसमें कुर्बानी नहीं है, इसमें उमरा नहीं है, तवाफ करके आप सिर्फ मेरा चले गए, आप चले जाओ, तवाफ न भी कर सकते डायरेक्ट मेरा जाए, लेकिन हज इफराद में सिर्फ हज है और ये अहले मक्का के लिए अफजल है। बाहर से जो लोग जाते हैं उनके लिए हज इक्तरान और हज तरद्दुद। हज इक्तरान क्या है? जैसे हज इफराद में सिर्फ हज का एहराम बांधते हैं, हज इक्तरान में उमरा और हज को मिला देते हैं। जैसे लबैक अल्लाहुम्मा हज्जन व उमरतन कहेंगे, और हज इफराद में लबैक हज्जन कहेंगे। हज इक्तरान में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। दुश्वारी क्या होती है कि अगर आप यहाँ से चले गए 10 दिन बाकी है 8 दिन जाने, तो हज इक्तरान में तवाफ और सही करने के बाद आप न बाल कटवाएंगे न एहराम खोलेंगे, उसी एहराम में 8-10 दिन तक रहना पड़ता है। बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अलबत्ता जिसके साथ उसका कुर्बानी का जानवर है, जो कुर्बानी का जानवर साथ लेकर जा रहा है, उसके लिए इकरार अफजल है। कुर्बानी का जानवर साथ ले जाने से कुछ लोग अब ये हीला बनाते हैं कि भाई का कूपन है तो ये मेरे साथ जानवर है, ये गलत। वो कूपन तो एक रसीद है कि आपने भाई को इतना पैसा दिया है, आपकी कुर्बानी वक्त पर होगी, वो जानवर नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमने भर दिया पैसा, हमारे पास जानवर तो है, देखो पेपर पे रसीद है हमारे। वो रसीद जानवर की रसीद नहीं होती, पैसा की रसीद होती। जानवर आज भी जो लोग हज इक्तरान करना चाहते हैं अपनी गाड़ी में अपना कुर्बानी का जानवर रख देते हैं, या कहीं इंतजाम कर देते हैं जी है यहाँ से मैं ले लेता हूँ, सारे काम कर लेता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज इक्तरान किया था इसलिए कि आपके साथ आपकी कुर्बानी का जानवर मौजूद था। सहाबा में से जिनके पास जानवर नहीं था उनको आपने कहा कि तुम अपने हज को उम्रे में बदल दो, तुम तमत्तो कर दो, तमत्तो अफजल है। तमत्तो की सूरत यह है कि आदमी उम्रा करके हराम हो जाए, फिर 10-20 दिन जो वक्त बचा है करके वे अपने आम लिबास में रहे, फिर 8 दिन जाकर हज का एहराम बांधते हुए मीना पहुंचेगा। हज तमत्तो में पहले उम्रा कर दिया जाता है, लिबास से आप उम्रा करेंगे, उम्रे के लिए बाकी लबैक उम्रतन। आमतौर से जब ये बात बताई जाती है कि नमाज में या रोजे में जबान से नियत करना दुरुस्त नहीं, जैसे कितने लोग नमाज पढ़े कहें नियत करता हूँ मैं तो अगर नमाज को मेरा काबा चले पीछे से बांध के वास्ते अल्लाह गया, ये सब ये दुरुस्त नहीं। सही क्या है? दिल में जो नमाज पढ़ना दिल में उसकी नियत की जाए, नियत इरादतों का दिल के इरादे का नाम नियत। जैसे रोजा रखें दिल में आपने इरादा कर लिया कि कल मैं रोजा रखूंगा, ऐसा नहीं कि मैं रोजा रखता हूँ, नियत करता हूँ कल का रोजा रखने की, जबान से कहने की जरूरत नहीं, दिल से कहा इरादा किया जाता है। उम्रे में जब जबान से नियत किया थे लबैक उमरतन या हज में लबैक हज्जन, तो लोग कहते हैं कि देखो वहां तो जबान से नियत की जाती है। उसका जवाब यह है कि लबैक उमरतन या लबैक हज्जन ये जबान से नियत नहीं होती। जब आदमी हज का फार्म भरता है, जहाज का टिकट लेता है, तैयारी करता है, तो ये हज की नियत हो गई उसकी। जहाज पर बैठा गलत नियत के नहीं बैठता है, नियत आपकी पहले से है। लबैक उमरतन कह करके आप उम्रे में दाखिल होते हैं, अब आप पर उम्रे की पाबंदियां लग जाएगी। जैसे कोई आदमी मस्जिद में आया जोहर के वक्त, तो अब वो जोहर की नियत से वो आया, नियत मानते हो से कि मैं नियत करता हूँ चार रकात सलात को मेरा काबा चले पीछे से माफ कर, ये करी जरूरत है दिल में नियत किया तो काफी है। लेकिन अल्लाह हु अकबर जब कह दिया नियत तो पहले से थी, अब नमाज में शामिल हो गया अल्लाह हु अकबर करके, तो अब उसके लिए इधर उधर देखना, खाना पीना, बातचीत करना की पाबंदी लग जाती है। उसी तरह से उम्रे की नियत पर
नियत ये जरूरी है, गलत नियत कि कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। दूसरा रुकन एहराम वाला, तीसरा रुकन काबा का तवाफ है। बाद लोगों ने नियत को न जिक्र करके एहराम तवाफ और से तीन जिक्र किया है, बाद लोगों ने नियत को शुमार किया करके चार जिक्र किया है। इसलिए नियत तो हर इबादत का रुकन है, तो अलग से यहाँ ना जिक्र करके नियत एहराम तवाफ और सै ये उम्रे का रुकन है। इनमें से कोई भी अमल अगर छूट गया तो फिर आपका उम्रा बातिल है। नियत के बगैर कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह से मीकात से एहराम बांधना ये वाजिब है, और एहराम बांधना हज का रुकन है। मसलन आप यहाँ से मक्का जा रहे हैं तो एहराम के बगैर तो उम्रा नहीं होगा, एहराम के बगैर उम्रा किया तो उम्रा होगा ही नहीं या हज होगा नहीं। लेकिन मीकात से अगर एहराम नहीं बांधा आपने तो एक वाजिब छोड़ा है, वाजिब छोड़ने पर दम लाजिम आएगा और रुकन छूट जाएगा तो वो इबादत बातिल हो जाएगी। आपको फिर अगले साल में फिर एहराम बांध करके मीकात से फिर उम्रा करना पड़ेगा। नियत तो सारी इबादतों में है, तवाफ सै इसी तरह से अरफा का वकूफ तवाफ इफादा तवाफ हज जिसको कहते हैं, ये पांच अरकान हैं। तो रुकन छूटने से इंसान का हज बातिल हो जाता है, जैसे आप तवाफ नहीं किए या सै नहीं किए या अरफात नहीं गए या तवाफ इफादा तवाफ हज आपने नहीं किया तो आपका हज बातिल है। और अगर वाजिब छोड़ दिया जैसे तवाफ विदा वाजिब है, तवाफ विदा वाजिब है उस पर भी अगर हैज के पास वाली औरत है काफिला वापस आ रहा है तो अल्लाह ने उससे वाजिब साबित कर दिया, इसी उससे माफ है। इसी तरह से अरफा में ठहरना हज का रुकन है, गुरूबे आफ्ताब तक अरफा में ठहरना ये वाजिब है। अगर कोई अरफा गया ही नहीं तो उसका हज ही नहीं होगा, लेकिन अरफा गया और जल्दी से आ गया असर के बाद जो अरफा गया मगरिब से पहले आ गया तो उसने एक वाजिब छोड़ा है, वाजिब छोड़ने से दम लाजिम आएगा। मुज़दलिफा में रात गुजारना जैसे वापसी में मुज़दलिफा में रात गुजारते, कोई मुज़दलिफा में घर रुके सीधे मिना चला जाए तो अब उसने एक वाजिब छोड़ा है, मबीते मुज़दलिफा वाजिब है। इसीलिए सब पास आदमियों के खेमे मुज़दलिफा में बने हुए हैं तो उनका वो खेमा अगर वहाँ खेमे में रात गुजारना चाहे मुज़दलिफा की निगत से तो मुज़दलिफा में रात गुजारना शुमार किया जाएगा। बाकी दिनों में वो मिना में ठहरने की नियत से अगर ठहरना चाहे तो मिना में उनका ठहरना माना जाएगा, इसलिए कि वो खेमे मुज़दलिफा में इसलिए लगे कि मिना फुल हो गए भर गए। अब वो एक्सटेंशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है जहाँ तक हाजी बढ़ गए तो वो कस्ट मुज़दलिफा है, लेकिन एक्सटेंशन की वजह से वो मिना के हुक्म में जैसे जुमा के दिन या ईद वगैरह के दिन जब मस्जिदों में नमाज होती है बाहर की जगह रोड है, मुंसिपलिटी का रोड है मस्जिद नहीं है, बाहर भी रोड है, लेकिन जब मुसल्ली ज्यादा होते हैं तो नमाज हम वहाँ पढ़ते हैं और उनको सब के साथ इमाम के साथ नमाज पढ़ने का वही सवाल मिलता है जो सारे मुसलमानों को मिलता है। हालांकि वो रोड है मस्जिद नहीं, लेकिन सफर मिल गई इसलिए उन मुसल्लियों को भी मस्जिद के मुसल्लियों का सवाब मिलेगा। वही मामला मेरा से जो मुंतसिर अरफा कहलाता है जिसमें सेवे लगे हाज होंगे वो असलन अरफा मुज़दलिफा है लेकिन मेरा से मुंतसिर है इसलिए वो मिना के हुक्म में है। बाद आने तक वहाँ जाकर परेशान हो जाते हैं, अरे हमारा क्या होगा हमारे सेवा तो मुज़दलिफा में है, तो उन्हें जानना चाहिए कि अगर आपको सेवा मुज़दलिफा में हो तो बोले तो हिंदुस्तानी हाजियों का सेवा ज़्यादातर चार सबूल अरब में जमरात से करीब होता है, लेकिन किसी में इक्का दुक्का इधर उधर चला गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं, शरण गुंजाइश है आपका खेमा मुज़दलिफा पे खर्चे है लेकिन मिना पे ठहरने का जो मिलेगा। वापसी में अगर आप मुज़दलिफा में मबीत और रात गुजारने के लिए से चाहें तो भी आपके लिए दुरुस्त है। अय्याम तशरीक की रातें मिना में गुजारना वाजिब है, जैसे कोई तवाफ करने गया सुबह है फजर के बाद तो उसने वाजिब छोड़ा है उस पर दम लाजिम आएगा। दम क्या क्या है किसको कहते हैं,
कुर्बानी ही की तरह एक जानवर जमा करके हरम के फकीरों में तकसीम करना, उसे यहाँ नहीं लाना, ऐसा नहीं घर को कहते यहाँ तक दे दो। तो इसलिए जब भी आप तवाफ हवाले के लिए जाएं तो इतना वक्त रखें कि आप बिना रात को पहुंच जाएं, ज्यादा से ज्यादा इससे आप पा लें। कभी कभी ट्रैफिक की वजह से 8 घंटा 10 घंटा बस वाला ले लेता है, 5-6 घंटा आम चीज है। आप हिम्मत करें पैदल निकल आए, घबराने की बात नहीं, बहुत दूर नहीं है, 45-50 मिनट काफी है हरम से लेकर आपके सेवा तक पहुँचने के लिए। इसी तरह से तीनों जगह जैसे 11, 12, 13 को तीनों को मैं करीब मानना है, तो तरतीब के साथ मारना वाजिब है। जैसे किसी ने पहले बीच वाले को मार दिया, फिर छोटे पर आया, फिर बड़े पर, तरतीब उलट गई। तरतीब क्या है, पहले छोटे वाले को, फिर बीच को, फिर बड़े जमले को, 11, 12, 13 और 10 को तो सिर्फ बड़े वाले को मारना है, बड़े जमले को। तो तरतीब उलट जाएगी तो वाजिब तर्क हो गया, वाजिब छोटे पर तर्क आ जाएगा। और जितना वाजिब छोड़ेंगे उतना ही दम देना, 5 वाजिब छोड़े तो 5 दम देना, ऐसा नहीं कि सारे वाजिब छोड़ करके 1 दम देना। हर वाजिब का 1 जो है फितिया है दर करने का। हरम या तफसीर बात को जड़ से निकालना या छोटा करना ये वाजिब है, कोई बात ही ना निकाले तो ऐसे दम तो वाजिब है, उस पर दम लाजिम है। इसी तरह से वाजिब और रुकन का फर्क समझने के बाद अब थोड़ा सा हम एहराम की हालत में जो चीजें ममनू है, जैसे बाल काटना, नाखून काटना, मर्द के लिए सर को ढांकना जैसे टोपी से, पगड़ी से, छतरी का साया, या इसी तरह से शटर का, छत का साया ले सकते हैं। बस गाड़ी आप देखेंगे कि गाड़ी के ऊपर का की जो वो होता है पतरा, वो भी हटा देते हैं, इसके अलावा फिर से गाड़ियां होती है, वो कहते हैं कि साया किसी चीज का नहीं देते। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में थे, गलियां मार रहे थे, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ और सहाबी थे, उन्होंने आपके सर पर चादर से साया कर रखा। जो चीजें सुन्नत से साबित है कि चादर का साया या छतरी का साया कोई हर सख्ती नहीं, दिन में बरती जाएगी। मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा, औरतें दस्तारे नहीं पहनेंगे, हाथों में चेहरे पर निकाब नहीं लगाएंगे, लेकिन अजनबी मर्दों का अगर सामना हो रहा है तो फिर वो पर्दा कर देंगे। शादी का पैगाम देना, निकाह करना, खुशी का शिकार करना, ये चीजें मना है। अगर कोई एहराम की हालत में जो चीजें मना है इनमें से किसी एक का इंतखाब कर ले तो इस पर दम नहीं है, इस पर फितिया है। रोजा रखना, मिस्किन को खाना खिलाना या इस तरह की चीजें शरीयत ने मुकर्रर की है। कुछ लोग सारे लोगों पर फितिया ही मुकर्रर कर देते हैं जो दुरुस्त नहीं है। जैसी सूरत हाल हो आए इनमें से पूछ करके अपना बंदा अपना काम करेगा। एहराम की हालत में चश्मा लगाना, घड़ी पहनना कोई हरज नहीं, ये सब चीजें इंसान की अपनी जरूरत भी है, कोई हरज नहीं, पहन सकते हैं। महजूरात एहराम जैसे बाल काटना, नाखून काटना, शिकार करना, निकाह का पैगाम देना, इनमें से अगर कोई मुंतकिब हो जाए इसका तो वो चाहे तो जानवर भी जबर कर दें, चाहे तो मिस्किन को खाना खिला दें, या चाहे तो 3 दिन वो रोजा रखें, यानी ऑप्शन है। लेकिन वाजिब छोड़ने में उसे दम देना है। और अगर कोई हाजी कुर्बानी की ताकत नहीं रखता और हज तमत्तु करना चाहता है तो उसके लिए एक सूरत मुकर्रर की गई कि वो 10 रोजे रखेगा, 3 रोजे अय्याम हज में और 7 रोजे घर वापस लौटने के बाद, तिलका अशरतुल कामिला, ये 10 जो है रोजे उसके हो गए। हज तमत्तु में मीकात से हराम बात करके मक्का पहुंचेंगे, काबे के पास यानी मीकात से हरम तक आप तल्बिया पुकारेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक, लब्बैक इन्नल हमद व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये उम्रे का तमत्तु का जो उम्रा है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर उम्रा तमत्तु करते हैं, ज्यादा क्या 100% हाजी हिंदुस्तान से जाने वाले हज तमत्तु ही करते हैं। तो मैं हज तमत्तु, किरान और हज तमत्तु में फर्क यह है कि किरान में उम्रा करने के बाद एहराम नहीं खोलते, उसी एहराम में रहते हैं, तमत्तु में एहराम खोल देते हैं। ये एहराम हुआ, एहराम की ये चादर हुई। जब मीकात पर आप पहुंचेंगे तो
इंतजाम कर लें, गुस्ल कर लें, चीज़ों का इंतजाम कर लें, खुशबू भी लगा लें, एहराम पहने सवेरे। लेकिन अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप घर से एहराम पहने जाए, एयरपोर्ट से पहने जाए, फ्लाइट पे पहने, तीनों सूरतों की गुंजाइश है। और जब मीकात पर जहाज गुजरेगा तो आप पहने लब्बैक उमरा तक, और उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमद व निअमत लक व मुल्क ला शरीक लक, ये तस्बीह कसर से पुकारेंगे कब तक, जब तक आप मक्का न पहुंच जाए। बीच में आप लोग उतराएंगे, एयरपोर्ट उतरेंगे, जहाज होटल में जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, खाना पीना खा लें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब तस्बीह पुकारते रहेंगे, जब मक्का पहुंचेंगे तो मक्का पहुंच करके बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब बरकतिक कह करके दाया पैर जैसे मस्जिद में दाखिल होते दाखिल हो गए। उसके बाद बैतुल्लाह का वो हिस्सा जहां पर हजरे असवद है वहां पहुंच करके हजरे असवद को बोसा देंगे। अगर बोसा नहीं दे सकते तो हजरे असवद को ऐसे हाथ से छू करके हाथ को चूम देंगे। और अगर भीड़ ज्यादा है और हाथ भी नहीं पहुंच रहा है तो दूर से अल्लाह ऊपर कहेंगे और हाथ से इशारा कर देंगे। जब हाथ से इशारा करेंगे तो फिर हाथ को छूने की जरूरत नहीं है और फिर तवाफ शुरू कर देंगे। सात चक्कर तवाफ काबा के शुरू के सातों चक्कर में आप इस्तेबा करेंगे। इस्तेबा क्या है? ये दाया कंधा खुला है। कब? जब तवाफ कुदूम यानी पहला जो तवाफ करेंगे उन्हें कहा है तवाफ कुदूम, उसमें ये आपका कंधा खुला रहेगा सातों चक्कर। और शुरू के तीन चक्करों में आप रमा करेंगे यानी थोड़ा सा तेज दौड़ेंगे। भीड़ की वजह से ना दौड़ सके तो कम से कम दौड़ने वाली हैत और कैफियत बना लें। तवाफ काबा की कोई मखसूस दुआ नहीं है, जैसे वहां पर किताब बांटने वाले मिलेंगे ना कि पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की, तीसरे की, ये दोस्त नहीं है। कोई भी दुआ पढ़े, अलबत्ता रुकने अमानी और हजरे अस्वद के बीच में, जैसे ये मान लीजिए कि चार कोले हैं काबा, ये रुकने अमानी है, ये हजरे अस्वद है, और यहां पर दरवाजा है काबा, और यहां पर बखाबे इब्राहिम है, फिर यहां आएंगे तो ये कोला रुकने इराकी है, फिर यहां पर गोल दायरा को हतीम का है, फिर ये रुकने शामी है, चार कोले हैं। रुकने अमानी और हजरे अस्वद के बीच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बकसरत पढ़ते कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़े। और अमूमी तौर से तवाफ के चक्करों में या बात करना में हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लहु अल-मुल्क व लहु अल-हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इस दुआ को कसरत से पढ़े। बाकी जो दुआ भी मांगना हो अल्लाह से मांगे। सात चक्कर जब हो जाएगा, अगर कभी सात चक्कर नहीं हुआ, चार चक्कर हुआ, बीच में किसी नमाज का वक्त आ गया, तो आप जहां हैं सब में शामिल हो जाएंगे, आगे पीछे जाए और नमाज की हालत में फिर कंधे को डाक देंगे, हालत नमाज में फिर डाक देंगे, जब सलाम फिर दे नमाज पढ़ने फिर कंधे को खुला रखेंगे सातों चक्कर के मुकम्मल होने तक। सात चक्कर हो जाएगा तो मकाम इब्राहिम के पास, अगर वहां भीड़ ज्यादा है, अब तो भीड़ जरूरी हो जाएगी बल्कि हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे, कहीं भी हरम में किसी भी मकाम पे दो रकात नमाज पढ़ेंगे, तवाफ की दो रकात। जब भी आप तवाफ करेंगे, चाहे नफरी तवाफ करें, तवाफ पे उमरा करें, हज करें, वादा करें, विदा करें, कोई भी तवाफ करें, तवाफ के बाद दो रकात नमाज पढ़नी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नमाज पढ़ने के बाद आप जन्नत पे जाइए, पानी पीजिए जन्नत का, और फिर सफा पहाड़ी पर जाइए। सफा पहाड़ी जब मकाम इब्राहिम से फारिग हो गए तब आप जहां खत्म होगा सफा में इसे मुंतजिर पहाड़ी क्या आपका हरम का एक हिस्सा है लेकिन असल है से उसकी पहाड़ के हैं। वहां पर पहुंच के किबले की तरफ रुक करके ऐसे हाथ उठाकर दुआ करेंगे, सफा यह है तो आपके हाथ उठाएंगे अल्लाह से दुआ मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अंजज़ा वअ'ता वनसर अब्दा वअज़मल अहज़ाब वहदा इन्नस
साथ में रखें और दुआ करेंगे। दुआ करने के बाद सफा से मरवा आपका एक चक्कर हो जाएगा। अब आपका कंधा ढक जाए, नमाज पढ़ते हो उसमें ढक जाएगा, जो तवाफ की दो रकात पढ़ेंगे उसमें भी कंधा ढका रहेगा, और उसके बाद फिर सफा से मरवा एक चक्कर हुआ। मरवा पर पहुंच करके सफा शुरू करने से पहले दूसरा चक्कर, फिर काफी मित्र हाथ जाकर दुआ करें, जो दुआ मांगे जितनी दुआ चाहे। ये औकात बड़े कीमती हैं दुआओं के लिए, और इन्हीं जगहों में आदमी जल्दबाजी में दुआएं छोड़ देता है। सफा और मरवा के शुरू के चार चक्करों में तेज चलना अकड़ वाले चाल, लेकिन ये तेज चलना औरत के लिए नहीं सिर्फ मर्द के लिए, ये सुन्नत के दिल का एक हिस्सा है। मरवा से सफा आइए, फिर दूसरा चक्कर हो जाएगा मुकम्मल। सफा पे खड़े होकर फिर उतरने की तरफ हाथ उठाकर दुआ करेंगे, फिर सफा से मरवा, अब तीन चक्कर हो गया। फिर मरवा से सफा जब आएंगे तो दवा सह शुरू करने से फिर दुआ करेंगे, फिर सफा से मरवा आगे चार चक्कर हो गया, फिर हाथ उठाकर टुकड़े की तरफ दुआ करेंगे, फिर सफा से मरवा आगे पांच चक्कर हो गया, फिर जो है मरवा में पहुंच के टुकड़े की तरफ हाथ उठाकर दुआ करेंगे, फिर मरवा से सफा आएंगे ये छह चक्कर हो गया, और फिर हाथ उठाकर टुकड़े की तरफ करके दुआ करेंगे, फिर सफा से मरवा आगे सातवां चक्कर पूरा हो गया। सातवां चक्कर पूरा हुआ तो फिर दुआ नहीं है, उसके बाद आप हर से बात जाएंगे अपने बात को कसर करा लीजिए। अगर हज के अंदर ज्यादा दूरी है तो हलफ करा लीजिए, जड़ से निकाल दीजिए। कम वक्त है ताकि बाल चढ़ना है छोटे करा लीजिए। अब हम हलाल हो गए, एहराम खोल देंगे, आम हाजियों की तरह आम लोगों की तरह एहराम खोल देंगे, अपने कपड़े धुलाइए, खाइए पीजिए, इबादत कीजिए अल्लाह को। फिर और ज़िलहिज्जा जब आएगा तो और ज़िलहिज्जा को जहां आप हैं मक्का में अज़ीज़िया में जहां भी हैं वहीं से आप हज का एहराम बांधेंगे, एहराम खोल करके फिर आपको फिर हज का एहराम बांधेंगे। और ज़िलहिज्जा को हज के एहराम के लिए अलग से तवाफ के लिए जाने की जरूरत नहीं है। कुछ हाजियों में जहालत है कि कहेंगे उमरे का तवाफ अदा करके फिर हज का करते हैं, भी गलत है। वो आज को जहां है वहीं से एहराम बांध करके एहराम होते हैं। बाद दफा मुअज्जिन अपनी शोहरत के खातिर या हाजियों की शोहरत के खातिर भीड़ भाड़ से बचने के लिए सात को ईशा के बाद आपको मीना पहुंचा देती है उनकी बस से उनकी गाड़ी में, इसमें कोई है नहीं, आप एहराम पहन करके चले जाए। एहराम ना भी पहने तो आज को मीना से एहराम बांध लें, लेकिन पहन लेने में झंझट नहीं जाता, हाजी गैर हाजी का जो फर्क है वो फौरन समझ में आ जाता है भीड़ भाड़ में। आप मीना अगर रात को भी पहुंच जाए तो वहां चेहरे आराम कीजिए, और फिर आठ ज़िलहिज्जा को जोहर के बाद से आप तस्बीह पुकारेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा व निअमता लक व मुल्क ला शरीक लक। आठ ज़िलहिज्जा को फिर आप हज में दाखिल हो गए, चाहे आप पहन करके अपने रहाइश से जाए या वहां से पहने, अब आठ को हज का एहराम बांधेंगे। हज का एहराम बांधे तो गोया हज में आप दाखिल हो गए। मीना में एहराम के दौरान ज़ुहर असर ये नमाजें उनके वक्त पर कसर करके पढ़ी जाएंगी, जमा नहीं करेंगे, कसर करेंगे लेकिन उनके वक्त पर, मगरिब पूरी पढ़ेंगे, ईशा वक्त पर कसर की जाएगी, लेकिन विंडर की नमाज और फजर के पहले की दो रकात सुन्नत, ये दो नमाजें ऐसी हैं फर्ज के अलावा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कभी छोड़ते नहीं थे, चाहे सफर में हो कसर में हो कहीं भी हो, तो मीना में भी फजर के पहले की दो रकात सुन्नत और विंडर एक तीन पांच सात विंडर का आप इंतजाम करते थे, इसलिए पढ़ना चाहिए। और ज़िलहिज्जा को मगरिब ज़ुहर असर कसर करके वक्त पढ़ेंगे, मगरिब वक्त में पढ़ेंगे, ईशा कसर करेंगे, फिर सुबह जब नौ ज़िलहिज्जा हो जाएगी तो नौ को अरफा जाने की तैयारी होती है, और सहूलत के खातिर भीड़ भाड़ ट्रैफिक से बचने के खातिर कभी कभी क्या बल्कि ज्यादातर लोग पंजीन और हुजाज हो आठ को रात को बारह बजे ग्यारह बजे एक बजे जो है अरफा पहुंचा देते, ताकि सुबह ये टेंशन खत्म हो जाए कि ट्रैफिक में फंस जाएगा पहुंच पाए, तो कोई हरज नहीं, आप तो एहराम में रहेंगे अरफा पहुंच जाएंगे। अरफा में ज़ुहर के बाद ज़ुहर और असर जमा और कसर है अरफा के अंदर, और ज़ुहर के बाद फिर आप अरफा में खूब दुआएं करेंगे ज़ुहर से लेकर मगरिब तक, ज़ुहर असर पढ़िए खाना पीना खा लिए आराम।
दुआ करने की, आराम करने से आपके अंदर इबादत की निशात पाई जाती है। आराम करने आए मेरे भाइयों, आराम करने को ही नहीं कह रहे, आराम से इबादत के लिए आदमी मस्जिद तैयार होता है। 10 मिनट आप जब कहीं फ्रेश हो गया तो इसलिए बहुत ज्यादा सख्ती अपने ऊपर डालने की जरूरत नहीं। शरीयत कितनी उन सहूलतों से फायदा उठाइए जो असर पड़ती है आपके मतलब तक, सिर्फ आपको दुआ करना है। उसके बाद तवाफे हिफाजत कुर्बानी हो गई, कंकरी मार दिया, कुर्बानी कर दिया, बाल निकाल दिया, फिर मक्का पहुंच जाएंगे तवाफ करने।
तवाफ हज और फिर सय करेंगे। इसीलिए 10 ज़िलहिज्जा को हज अकबर कहा जाता है। अवाम में एक चीज मशहूर है कि अगर अरफा जुमा के दिन बहुत पड़ गया तो हज अकबर ही हो गया, ये जहालत है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। हज के मुकाबले में उम्रे को अरब के लोग हज असगर कहा करते थे और उम्रे के मुकाबले में हज हर हज हज अकबर है, चाहे जुमा को पड़े चाहे हफ्ते के किसी भी दिन पड़े। और उसमें 10 ज़िलहिज्जा का जो दिन है वो अज़ान में अल्लाह व रसूल जो मन्ना से हज अकबर, वो हज अकबर हज के ज्यादातर काम उस दिन किए जाते हैं। कंकर मारना, कुर्बानी करना, बाल निकालना, तवाफ करना, सही करना, एक बड़ा काम उस दिन होता है। 10वीं ज़िलहिज्जा को अब आप इन कामों से फारिग हो गए तो फिर वापस मक्का मीना आ जाएंगे मक्का से, और रात को मीना में गुजारेंगे। कभी ऐसा होता है कि आपने कंकरी मार दिया, कुर्बानी तो किसी के जिम्मे कर दिया, बाल कटवा दिया, तवाफ करने नहीं जा सकता, बूढ़ा है, परेशान है या भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो 10 के बजाय वो 11 को जाकर तवाफ कर रहे, 12 को जाकर तवाफ कर रहे, सहूलत है तवाफ का है। उसी दिन न करके दो दिन तीन दिन दूर देर में कर सकता है, या जिस दिन आप मीना छोड़े 12 ज़िलहिज्जे को अकेला, तो उस दिन तवाफ पे हज कर दीजिए और फिर अपने जो है हज और तवाफ और सय करके फिर अपने घर पे और अपने होटल पे जाइए। ये सहूलत है हाजियों के लिए, इससे फायदा उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसी दिन गए फिर रात को पता लगा कि मेरा नहीं पहुंच पाया, अमीन छूट गया। हाजी दौरान हज सारी नमाजें जमा और कसर करेगा, मसलन अरफा में जमा और कसर है, मीना में अय्याम तशरीक और 8 ज़िलहिज्जा को सिर्फ कसर है। लेकिन अगर आप हज के दिनों में भी मक्का आए और जमा से नमाज हो रही है तो इमाम की इक्तदा करेंगे, पूरी नमाज पढ़ेंगे। आप अपने सहने में पढ़ रहे हैं या और चंद लोगों के साथ कहीं जमात छोड़ के पढ़ रहे हैं तो आप कसर करेंगे। ये 10 ज़िलहिज्जा का काम हुआ। 10 को जब वापस आएंगे तो रात मीना में गुजारेंगे, फिर 11 ज़िलहिज्जा को ज़वाल के बाद, ज़ोहर के वक्त जो होता है, ज़वाल का वक्त, ज़वाल के बाद तीनों जबरात को तरतीब से साथ साथ कंकरियां मारेंगे। जैसे पहले छोटे जबरे को साथ कंकरी अल्लाह अकबर, उसके बाद छोटे को मार के फिर थोड़ा सा किनारे हट कर रुक जाए, ऐसा नहीं कि रास्ते में रुक जाइए, पीछे वालों को धक्का देना पड़े, साइड में हट जाइए और कमरे की तरफ रुक करके दुआ की, फिर बीच वाले को साफ कंकरी मार के फिर थोड़ा सा किनारे हट के कमरे की तरफ रुक करके दुआ की, फिर बड़े वाले को साफ कंकरी मारिए और फिर आप अपने शहर में आए, हम जाए जो भी आपका शिकोर हो, अब आपका उस दिन का काम पूरा हो गया। 11 को सिर्फ कंकरियां मारना आपका काम है और वक्त पर 11-12 को पहले छोटे को, फिर दरमियानी को, फिर बड़े को, और 10वें ज़िलहिज्जा को सिर्फ बड़े को कंकरियां मारेंगे और 12 ज़िलहिज्जा को भी यही काम करेंगे जो 11 को आपने किया, तरतीब से पहले छोटे को, फिर बीच वाले को, फिर बड़े को कंकरी मारेंगे। और अगर 12 को मीना छोड़ना चाहे तो कंकरियां मार के दिन डूबने से पहले मीना छोड़ दें, सूरज डूब गया तो आप मीना में काम करेंगे, फिर 13 को सवाल के बाद कंकरियां मार के मीना छोड़ेंगे। अफसल तो यह है कि आज ही मीना में रुक जाए, बहुत सारे मुआलमीन या सहने वाले कहते हैं चलो अब खेमा खाली हो रहा है कोई नहीं रहेगा, आप कहें कि नहीं हम रुकेंगे इबादत के लिए आए, एक दिन और आपको मिल रहा है इबादत का, आप 12 को भी रुकिए और 13 को कंकरियां मारने के बाद फिर आप मक्का तशरीफ लाए, और फिर अगर तवाफ नहीं किए तो तवाफ और सय कर लीजिए, और अगर तवाफ में हिफाजत है तवाफ हज कर लिए हैं तो कंकरी मार के अपने खेमे में अपने होटल में चले जाएंगे। फिर अब आप जब मक्का छोड़ेंगे दो दिन बाद, चार दिन के बाद, चाहे वाया मदीना आए चाहे वाया जद्दा, तो आपका आखिरी काम तवाफ बिदा रह जाता है। तवाफ बिदा वाजिब है, बगैर तवाफ बिदा के कोई आएगा तो दम लाजिम आएगा, अलबत्त आयजा या नफसा जो हालत है ऐसे हो या नफास वगैरह की वजह से, तो उस पर से अल्लाह ने ये वाजिब और इसको उठा दिया है। तो ये हज का मुख्तसर तरीका होगा, 8 ज़िलहिज्जा, 9, 10, 11, 12 और 13, और उसके बाद
मदीने की ज़ियारत कर तुम अगर मदीना नहीं गए हैं या जाना चाहते हो तो अलग मसला है, लेकिन मदीने की ज़ियारत का हज से ताल्लुक नहीं होता है। मदीना हाँ जिंदा की बात नहीं जाता है तो मदीना चला जाता है, लेकिन अगर कोई मदीना नहीं जा पाए किसी वजह से, मजबूरी से, बीमारी से, किसी वजह से, तो हज उसका मुतासर नहीं होगा। अलबत्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, उसमें नमाज पढ़ना, आपकी कब्र की ज़ियारत करना, दरूद व सलाम भेजना और मदीने की तारीखी हैसियत को जानना, ये इंसान के ईमान का एक हिस्सा होता है, जाना चाहिए। लेकिन तवाफ़े विदा के बाद अगर आप मक्का में ठहर गए 10 घंटा 20 घंटा किसी काम से, तो फिर वो तवाफ़े विदा नहीं होगा, फिर से आपको तवाफ़े विदा करना होगा। तवाफ़े विदा के बाद आपको कोई शॉपिंग नहीं करनी है, कोई दूसरा काम नहीं करना, सीधे आपको गाड़ी में बैठ के चले आइए। ये हज का इख्तिसार से तरीका हुआ, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हज को कबूल फरमाए, हम ऐसे जिन भाइयों ने हज अदा किया मसरूर तरीके से उनको हज अदा करने की तौफीक अदा फरमाए, जो हज कर चुके अल्लाह उनका हज कबूल फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही। अल्लाह ताला शेख मौसूफ को शायद खैर दे कि उन्होंने बड़े ही मुदल्लल और आम फहम अंदाज में हमारे सामने तरीके हज बयान किया। अल्लाह ताला शेख के इल्म अमल में बरकता फरमाए और हमें मुस्तकबिल के लिए शेख से इस्तेफादा करने का मौका अता फरमाता रहे। अब इसी पर हम दारुल खैर फाउंडेशन के अराकीन की तरफ से आप तमाम सामीन के शुक्रगुजार हैं, तमाम हाजरीन और हाजरात के, कि आप लोगों ने इस हर तरबती कैद में शरीक हो करके आपने भरपूर फ़ायदा उठाया। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को जदाए खैर दे और जो भी हमारे भाई सफ़र हज के लिए रवाना हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनके सफ़र हज को आसान फरमाए।